आजकल हमारे पास इतने ऑनलाइन मैसेजेस आते हैं, जैसे जब भी आप कोई सामान खरीदते होंगे तो आपके पास एक OTP आता है वेरीफाई करने के लिए, लेकिन आमतौर पर ना इसमें कुछ मैसेजेस फेक भी होते हैं। और इसी तरीके का एक नया स्कैम चल गया है आजकल WhatsApp पर। सो WhatsApp पर OTP को लेकर जो नया स्कैम चल रहा है, ये ई चालान से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ई चालान से स्कैम का क्या मतलब है, तो जैसे आपने देखा होगा जब भी आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो आपके पास एक ई चालान आता है, तो ये ई चालान स्कैमर्स की तरफ से बहुत से यूजर्स को WhatsApp पर भेजा जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस मैसेज को वियतनाम के हैकिंग ग्रुप की तरफ से भेजा जा रहा है और ये इजीली आपके फ़ोन को हैक कर सकता है, डेटा चोरी कर सकता है और बैंकिंग फ्रॉड भी कर सकता है। और ये जो स्कैम है इतना खतरनाक है कि आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मैसेज रियल है और कौन सा मैसेज फेक है। स्कैमर्स परिवहन सेवा की तरफ से WhatsApp पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें ट्रैफिक उल्लंघन पर फाइन देने का दबाव डाला जाता है। इसके लिए स्कैमर की तरफ से एक मैलिशियस APK एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा है और इससे यूजर्स को फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करने के लिए भी कहा जाता है, जिसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन डिटेल्स, मैसेज सब कुछ मांगा जाता है। तो ये जो स्कैम है ये इस तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का WhatsApp पर कोई लिंक आता है या कोई मैसेज आता है जिसमें बोला जाता है कि आपने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है और आपको ई चालान भरना होगा, तो इस तरीके के मैसेज से दूर रहिए, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और इससे आपके फ़ोन को बहुत ईजिली हैक किया जा सकता है। सो मैं बताती हूँ, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैलवेयर Vromba फैमिली की तरफ से किया जा रहा है, जिसने अभी तक 4,400 डिवाइस को हैक किया है और ये मैलवेयर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आमतौर पर इससे होने वाले जितने भी स्कैम्स हैं वो OTP से जुड़े होते हैं, वन टाइम पासवर्ड। तो आपके फ़ोन पर एक OTP भेजा जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपका एक ऑनलाइन पार्सल है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन वो क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि वो OTP एक असल OTP है। और जैसे ही आप वो OTP शेयर करते हैं, वैसे ही आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं या आपके फ़ोन को एक्सेस कर लिया जाता है। तो जैसे मैंने बताया, इस तरीके के स्कैम बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो ये WhatsApp पर आने वाला जो ई चालान स्कैम है, इससे बच के रहिए और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कलीग्स में से किसी के पास भी मैसेज आता है तो उन्हें अवेयर करें कि इस मैसेज पर भरोसा ना करें। और इस तरीके के स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में एक एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, और जो भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं ना, तो किसी भी लिंक के ज़रिए उस ऐप को डाउनलोड ना करें। हमेशा कोशिश करें कि ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से जाकर ही कोई ऑफिशियल ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। और सबसे बड़ी बात, अपने मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करके रखें, और इस तरीके के जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, उन पर भरोसा ना करें, हमेशा उनको सबसे पहले वेरीफाई कर लें, क्योंकि आजकल इन तरीके के फ्रॉड्स इतने कॉमन हो चुके हैं, हम जैसे आम यूज़र इन फ्रॉड्स में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो अभी जो मैंने आपको ये अलर्ट दिया है WhatsApp पर आने वाले ई चालान स्कैम को लेकर, इससे बच के रहें, अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक भी करें, और ऐसा ही कोई मैसेज या इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है तो अपना इंसिडेंट हमें कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएँ। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।